कभी ऐसा जिंदगी में हुआ तुम दोनों के कि एक वक्त आया कि यार उधर भी पैसे फंस गए, इधर भी पैसे फंस गए, है नहीं पैसे यार क्या करें? मैं तो अभी पैसों से फंसने से ज्यादा मैं एक जगह से क्रॉस करी थी और यहाँ पर कब्रिस्तान था और दीवार थी और यहाँ पे ना फुल रोड, कौन सा एरिया है कराची में यहाँ पे फुल रोड है जो गाड़ियाँ आ रही हैं, यही है मेवा। तो मैं सोची थी कि पैसे तो चलो फंस ही जाते हैं, हम कहाँ फंस गए हैं, ये है जिंदगी उस पार खामोशियाँ। आंसू आ रहे हैं मुझे तो बातों से, बताओ बातें कर रही हूँ। मैं एक बात कह रही हूँ कि हम किस रेस में फंसे हुए, कुछ नहीं है सभी रेस में फंसे हुए पूरी दुनिया है, बट मैं एक बात कह रही हूँ कि एंड वो है। मेरा तो सवाल ये था, मैं क्यों देखो जैसे जिंदगी में हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, पैसे फंस गए, अभी भी हम कोई पैसे फंस गए, कभी काम कम हो जाता है, कभी कुछ, कभी ऐसा हुआ तुम लोगों के साथ कि जो कि हम से रह रहे थे पानी में रोटी दबा रोटी। जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट की, जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो एक दिन ही रहा, मैं बताता ना, अच्छा प्रोडक्शन स्टार्ट की तो हमने सबके पैसे दे दिए और हमारे पास ही पैसे नहीं थे। एक टाइम ये आया, चेक्स बड़े बड़े पड़े हुए थे लेकिन वो उन्होंने कहा था कि अब अगले महीने कराना, तो एक टाइम ये आया कि हमारे पास बाकी पैसे खत्म हो गए थे। मुझे याद है मेरी भाभी फिलजा वो मुझे 1500 रुपए देने आई थी, लेकिन नहीं हमारा एक दोस्त है उमर ईसा जो मेरा पार्टनर भी है जिसने अभी फिल्म बनाई बेबीलिशियस अगली पे आएगी, उसने हमें कितने 20,000 उधार लिए थे मेरे, उमर ये चेक है मैंने हमारी ने बहुत टाइम देखा है, लेकिन हमने किसी से बड़ी अमाउंट हमने कहा किसी से बड़ी अमाउंट क्या मांगे, सारी जिंदगी हमने ही दिया लोगों को। हाँ, हाँ, तो ये पहली दफा होगा कि हम किसी से मांगेंगे यार हमें कुछ पैसों की जरूरत है, आज तक ऐसा हुआ नहीं वैसे। फंस गए थे पैसे बहुत सारी जगह, अलग अलग जगहों पे चेक। वैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेरी शादी हुई थी, जो मेरी शादी हुई थी और शादी के वक्त मुझे एक बड़ा चेक चाहिए था, तो वो AFI ने मुझे एक चेक दिया था, मेरा एक शो जहाँ चलता था, मैं प्रोडक्शन करता था चैंपियंस के नाम से, होस्ट भी करता था, स्पोर्ट्स का शो था। तो तुम्हारी शादी आ रहा है कि पैसों से हुई है? मुझे याद है मानी मेरे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था मेरे घर पे और कोने वाले सोफे पे ना बात कर रहा था, और फिर हमारी कोई शादी हो गई थी 3-4 महीने बाद, लेकिन उसके बीच में मेरा चेक, मुझे वो चेक मिलता और वो चेक बड़ा था उस जमाने के लिहाज से, बहुत बड़ा चेक था और वो दे ही नहीं जाता चेक माशाल्लाह से, लेकिन शादी हो रही है, भाई मेरी शादी हो रही है, लेकिन वो बड़ा मेरे लिए एक तोहफा था एयरवे की तरफ से कि वो एक इतना बड़ा चेक मुझे मिल गया। देखो मैंने चेक मिला था, आज हीरा तुम्हें मिल गया।